भाई मतलब इसमें मत जाओ ठीक है। ये मेरे कपड़े जो कि मैं राइड करते वक्त यूज़ करता हूँ ये, एंड यूजली आप देखते रहते हो। एंड हियर इज माई टॉवल। सो व्हाट्स पीपल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द सी व्लॉगर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो एंड अच्छे ही रहना। ऑलराइट गाइस, या टाइम ऑफ द डे इट्स 7 in the morning। कल ही प्लान था आपको मतलब कुछ इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो दिखाने का, मगर कल इतना हेक्टिक था ना कि क्या बताएं। एंड एज यू ऑल नो कि भाई अपना गाड़ी जो था वो ब्रेक डाउन हो चुका था। फाइनली मेरा गाड़ी बन चुका है इन द सेंस क्या है, मतलब कोहिमा में उतना अच्छा सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है, तो आई हैव टू गेट रिपेयर बाय सम रोड साइड मैकेनिक। तो इससे क्या होगा कि भाई इट्स नॉट कम्प्लीटली वर्किंग ऑन इट, बट लेट्स सी इम्फाल में जाके देखता हूँ, अगर वहाँ पे कुछ सर्विस सेंटर मिलता है तो फिर आई विल गो फॉर इट। बिकॉज मुझे ना गाड़ी को अच्छी तरीके से बनाना है एंड आई हैव टू गो सो लॉन्ग। सर सुबह सुबह आपको कैंप साइट का मतलब व्यू दिखाते कि हम कहाँ ठहरे हैं, लाइक आपको मालूम चलना चाहिए कि भाई आपका भाई कहाँ है। सो मीट मिस्टर चिबू चिबू द ओनर ऑफ दिस कैंप साइट। कैंप साइट टीजे, इट्स कैंप साइट टीजे राइट। सो या इनसे तो कल ही मुलाकात हो गया था एंड लाइक काफ़ी अच्छा लगा एंड दे आर होस्टिंग मी वेरी वेल। या नो ओके थैंक यू। एंड इनका जो होस्ट है ना बहुत ही कमाल का है। यू मे कम एंड डू विजिट हियर एंड लाइक आपको ना मतलब ऐसा फील नहीं करेगा कि आप कहीं बाहर हो। गाइस मुझे अब पता चल रहा है एज ए ट्रैवलर हमें ना मतलब एक मिरर भी साथ कैरी करना चाहिए होता है, क्या कहते हो? क्योंकि जब हम कैंप करते हैं ना हमें मौका नहीं मिलता यार मतलब चेहरा देखने को, बस क्या करते हैं हम मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है उसको ओपन करते हैं एंड लाइक या ये सनस्क्रीन हम अप्लाई करते हैं अपने फेस पर। लगेज है ना कि क्या बताया यार, मतलब ना बाहर रख सकता हूँ, रखना तो अंदर ही पड़ेगा। सो हेयर रूटीज कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे बैकपैक, यहाँ पे अपना ये मेरा ये अपना जो आर्मर है ना ये काफ़ी बड़ा कमाल का चीज़ है। ये मेरे लिए मतलब राइडिंग करते वक्त जैकेट भी बन जाता है एंड देन सोते वक्त ये मेरे लिए क्या बोलते हैं पीलो भी बन जाता है। तो हम ये टॉवल पे ऐसा रखे, हम ऐसे सोए थे कल रात को एंड यही चीज़ हमने याजलिमी में किया था, तो बड़ा कमाल का चीज़ है ये भी, बड़ा कमाल का चीज़ है। असुंग यादिन तो ये भैया आए थे मुझे, मैंने इंस्टा स्टोरीज पे भी अपलोड किया हुआ है। तो ये भैया ने मुझे गिफ्ट किया है ग्लव्स एंड ग्लव्स इस प्रकार ये बोल के गिफ्ट किया है कि मुझे पता नहीं था लिटरली तुम्हारा ग्लव्स गायब हो गया बोल के मगर फिर भी हमने आपके लिए ग्लव्स लाए बोल के। हाउ इट लुक, लेट्स सी, कुछ ऐसा एंड देन कुछ ऐसा, छोटे ना हमारा उसके चलते। ब्रेकफास्ट में हम क्या ले रहे हैं देखना पड़ेगा। आई थिंक दे आर ऑफरिंग अ ब्रेड एंड ऑमलेट, शायद ऑमलेट तो नहीं मैंने बॉयल एग बोला है। तो 8 in the morning एंड हम अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेड एग एंड टी एंड यह ब्रेड ना छोटा सा पोर्शन हम खा चुके हैं ठीक है, बिना खाए मतलब बिना रिकॉर्ड किए हमने शुरू कर देते हैं, अभी याद मुझे आया तो अभी हम कर रहे हैं। वैसे आप तो मानोगे ना, क्या बोलते हो? एंड यह अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से विनी की ओर जहाँ पे ऑनविल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड ये देखो हम हमारे कैंप से ओ हम गिरने वाले थे एंड एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं अपना सनरीटा को, स्टार्ट करके देखता हूँ यार, मतलब स्टार्ट तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई स्टार्ट नहीं होगा, बट स्टिल मन के तसल्ली के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। बेचारा अकेला नहीं, साथी है। एंड या हियर इट इज, काफ़ी यहाँ पे धूल जमता हुआ, तो चलो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, किक मार के देखते हैं एंड आपको भी दिखाएंगे, आपको दिखाना जरूरी है, क्या कहते हो? या इट वर्क, डर लग रहा था, बार बार हमें किक देना पड़ रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, मैंने सोचा चलो फिर इस बार भी वही है क्या सीन। रीच द व्यू पॉइंट जहाँ से हमें खिसिमा विलेज दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी देखो गाइस, बड़े पत्थर का ये एंड ये देखो गाइस यहाँ से भी कुछ इस तरीके का आपको नज़र आएगा एंड वो रहा खिसिमा विलेज जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल वहीं पे हो रहा है एंड ये सीधा सामने की ओर नीचे के जो रोड दिखा दे रहा है दिस इज़ द नेशनल हाईवे 37 एंड यहाँ पे देखो गाइस गांव वगैरह एंड ये ठीक नीचे जंगल के बीचों बीच आपको दिखाई देगा पैडी फील्ड, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता हुआ। एंड यह वो पता नहीं कौन सा विलेज यार, विश्वामा, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ द विश्वामा। मूव टूवर्ड्स द वेन्यू एंड एक्साइटेड टू मैं इस चीज़ को लेकर एंड आपको दिखाने को। भाई वो वाइब्स ना मुझे यहाँ पे मिलता हुआ, प्योर
यहाँ के कल्चर के बारे में। ये देखो, सही बता रहा हूँ आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो पहले ये सारे के सारे जो एरिया है ना, ये हट से मतलब बैम्बू से बनाए हुआ है। दैट्स लुक सो अमेजिंग यार, मतलब सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो कल्चरल डांस, कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। एंड इनफैक्ट आपको ये चीज़ दिन भर देखने को मिलेगा। लेट्स चेक इट आउट हियर, इतना कुछ तो है यहाँ पर देखने को। एंड गाइस या एक चीज़ बताना, कमेंट करना, कैप में तो आपने बोल ही दिया, बस ये सॉल नागा सॉल या अंगामी, या आई थिंक अंगामी सॉल नहीं, आओ पता नहीं यार, जो भी हो देखो। एंड मुझे बताना कि भाई को कैसा दिख रहा है अभी। चलो यहाँ से चलते, क्या कहते हो कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना, बस देखते जाओ अभी तो, और जस्ट बिगिनिंग, या बहुत कुछ होने को है। हालांकि टाइम तो मैं आपके भाई के पास, बस से आई एम गिविंग माय बेस्ट। देखो भाई जिलियंग मोरूंग, तो यहाँ चलो यहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। सही है भाई, सही है। भाई देखने को तो बहुत कुछ है यहाँ पे, बस मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट तरीके से दिखा रहा हूँ, जितना हो सके ना मैं उतना कवर करके आपको दूंगा। देखते स्टेज तो वहाँ पे बना रखा है, कल जो प्रोग्राम होता वहाँ पे था ना, अभी आज भी जाने को मिले तो फिर हम अभी भी जाएंगे। अंगामी मोरूंग हम भूल गए, एंड या ये गेट जो दिखाई दे रहा है ये पूरे के पूरे पत्थर के, आई थिंक सो। हम अंगामी किचन में आए हुए हैं, एंड यहाँ पे क्या पक रहा है क्या नहीं पक रहा है वो दिखाएंगे हम आपको। एंड या बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली, ये देखो बड़े बड़े बर्तन पर, एंड बहुत ऊपर की तरफ देखो, अंगामी किचन। यस अंगामी किचन, कुछ दिखाते हैं हम आपको अंगामी किचन की तरफ से। हेयर इट गोज लाइक दिस। सो ब्रो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, या व्हाट यू आर कुकिंग? चिकन। चिकन, ओके, इट इज बॉइल्ड? यस बॉइल्ड। ओके, तो यहाँ पे बॉइल्ड चिकन खाने को मिलेगा कुछ देर में, क्या कहते हो आके खिलाएगा आप? इट्स ऑल अबाउट द अंगामी किचन। या थैंक यू ब्रो। ओके, एंड कुछ ऐसा यहाँ का सीन। ओह माय गॉड, इट साउंड्स सो गुड, आई एम लविंग इट ब्रो, आई एम लविंग इट। क्या कह रहे हो? वन मोर टाइम। तो चलो आपके लिए और एक बार हम बजाते हैं। या सही है, सही है। ओके गाइस, चलो अंगामी की तरफ से हुआ, अब हम आगे की ओर निकलते हैं। क्या कहते हो? चलो फिर, आई एम लविंग द वाइब्स फ्रॉम हियर। इट्स पोचूरी मोरूंग। एक्चुअली मैं इनके ट्राइब्स के बारे में तो फुल ऑन डिटेल्स तो नहीं दे पाऊंगा, बट व्हाट आई कैन सी वो हम आपको दिखा पाएंगे। हम भी रेड, वो भी रेड, हम भी ब्लैक, हम भी वो भी ब्लैक, रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना आज बहुत ही कमाल धमाल करने वाला है गाइस, बस स्टे ट्यून्ड। या
और गोला यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है, मुझे साइड में करना पड़ रहा है। तो मतलब इन्होंने तो ना हमें चकमा दिया, हम सोचे थे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होगा डांस के चलते, तो शायद ये लोग सब स्टेज पर जा रहे थे, तो अभी मुझे भी नीचे होना पड़ेगा। नीचे की ओर जाके आपको दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे जस्ट सी ये ऑर्गेनिक, एक्चुअली दिस इज अगर हम इसको निकाले ना, या हियर इट इज, हियर व्हाट वी कैन वॉश अवर हैंड, तो ये कुछ ऐसा है, बहुत ही कमाल धमाल। ओहो यहाँ पे भी जो प्रोग्राम था वो ख़त्म, मतलब सारा जितने भी प्रोग्राम होगा वो नीचे स्टेज पर होगा, तो आई हैव टू बी देयर, मगर उससे पहले इनका झलक देख लो। और ये लोग यहाँ से रेडी होके नीचे की ओर जा रहे हैं अभी, जैसे कि मैंने कहा था ना यहाँ पे हमें एक बार तो हम पॉपर्ट बन चुके थे, मगर अभी नहीं होंगे, एंड वी हैव टू फॉलो देम एंड वहाँ पे जाएंगे एंड दिखाएंगे। चलो यहाँ पे चढ़ के दिखाते हैं। कुछ आराम किया जाए यार, मतलब हम यहाँ पे आराम करने के लिए नहीं आए, अभी हम स्टेज पर आए, स्टेज इन द सेंस यार स्टेज सामने की ओर है, यहाँ पे अभी देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम देखने को मिलेगा। व्हाट आई कैन सी इज सभी लोग यहाँ पे गैदर हो रहे, गाइस गेस्ट ऑफ ऑनर आ रहे, और यहाँ पे देखिए हल्ला, मतलब इनका जो नॉइज़ है ना, जो ट्यूनिंग है बहुत ही अच्छा सुनाई देता हुआ, एंड या हियर इट इज एंड राइट। अभी हम देख रहे हैं अंगामी ट्राइब का फ्लॉक डांस, एंड आई कैम टू नो इट्स लाइक 16 ट्राइब ड्यूर इन नागालैंड, एंड या मज़े की बात यह कि भाई धूप काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे खिला हुआ है, एंड गर्मी तो हमें नहीं लग रहा क्योंकि कैब हमने जो पहना है ना, हम इस बार चतुराई भरे काम कर रहे हैं। The hornbill is one of the most treasured and revered birds. Hornbill dance. It is admired for its grace, majestic disposition, moving actively and vigilantly on the top of huge trees while seeking its गाइस। हम उस एरिना से तो निकल के बाहर आए, हम बाहर इसलिए आए क्योंकि मुझे ना और भी यहाँ पे काफ़ी सारा काम करना है। यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई, और मैं अभी किसी को उड़ा दूंगा क्या, तो ज़्यादा वो इफेक्ट तो नहीं होगा, बट लेट मी ट्राई, यहाँ पे आए हूँ, कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेडी मतलब मार दूँ, मारो दिस इज फॉर यू, एंड मैं अभी शूट करने जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, सीरियसली मजा है, खत्म, 100 रुपये खत्म, 100 रुपये खत्म। चलो भाई मार्क्स निकाल लेता हूँ मैं,
बिना मास्क का भी देखो हमें कभी कभार, तो यार मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई हम डेली पहन के चलते हैं, यहाँ जहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पे तो मास्क पहन कर जाना जरूरी है। ये देखो भाई क्या है मेरे पीछे, क्या कहते हो। तो या अभी सीन कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे ब्लैक टी ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। जो कुछ भी हम यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं ना, इट्स टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई नो अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो आप नाराज़ नहीं होंगे, अब लिटरली मतलब है मुस्कुराओगे ईच एंड एवरी मोमेंट, क्योंकि यहाँ का जो सिनारी है ना वो कुछ उस लेवल का ही है। तो गाइस यह टाइम अपडेट, इट्स 11 इन द मॉर्निंग एंड मैंने जैसे कि आपको कहा था मैं यहाँ से 12 या 1 बजे को निकलूँगा। तो मैं पहले कुछ काम कर लेता हूँ एंड देन आई विल बी मूविंग टूवर्ड्स कोहिमा। तो कोहिमा हम किस लिए जा रहे, क्या काम है, मतलब वो ना आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। या टिल देन गाइस मैं इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ। एंड वीडियो लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। Till then, stay blessed, stay healthy. Bye-bye.